सुबह सुबह मेहुल के दोस्त के परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें उल्टियां होने लगती है। मेहुल तुरंत अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। मेहुल अपने दोस्त से कहता है, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, रात को सभी लोग बिल्कुल फिट थे और हम लोगों ने एक साथ खाना भी खाया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई सब लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सिर्फ मेरे बच्चों सोनू की तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन उल्टा कल उसकी तबीयत खराब थी तो उसने खाना भी नहीं खाया और दूध पी के सो गया। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि गड़बड़ कहाँ है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को क्या समझा, सोचिए। गड़बड़ खाने में है, क्योंकि सिर्फ उस बच्चे ने रात को खाना नहीं खाया था, बाकी सबने खाया था और सबकी तबीयत खराब हो गई। मेहुल तुरंत उनके किचन में जाता है और सबसे पहले फ्रिज खोलता है। फ्रिज को देखकर आप बता सकते हैं फ्रिज के अंदर आलू है या नहीं है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर हाँ या ना में कमेंट करके बताएं। फ्रिज के अंदर आलू यहाँ छुपे हुए हैं। मेहुल सभी चीजों को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किस चीज में गड़बड़ है। इसलिए वह सभी के सैंपल लेता है और पॉलीथिन में पैक कर लेता है और डॉक्टर संजना के पास टेस्टिंग के लिए भेज देता है। उसके बाद मेहुल अपनी गाड़ी से सारे लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां भर्ती कर देता है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि ठीक ऐसी ही घटना एक और घर में हुई है और घर के सारे लोगों को उल्टियां हो रही है और पेट दर्द हो रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक जैसे दो केस। मेहुल बिना देरी किए हॉस्पिटल से सीधा वहां पहुंच जाता है और उस घर के एक आदमी से बात करता है। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, आज सुबह अचानक सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मेहुल तुरंत किचन में जाता है। किचन में मेहुल को टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी और सभी सब्जियां मिलती है। मेहुल सारी सब्जियों को पैक कर लेता है ताकि उनकी जांच कर सके। तभी मेहुल की नजर वहां रखे दूध पे पड़ती है। क्या कल रात सभी ने दूध पिया था? हाँ सर, कल रात सबने दूध पिया था। तुम लोग ये दूध कहाँ से खरीदते हो? सर, यहाँ एक दूध वाला आता है, सारी कॉलोनी को वही दूध देता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि दूध में कोई गड़बड़ी नहीं है, मामला कुछ और ही है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मेहुल को कैसे पता चला कि दूध में गड़बड़ी नहीं है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? वो आदमी मेहुल को कहता है कि दूध वाला सारी कॉलोनी को दूध देता है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ी होती तो पूरे कॉलोनी के लोगों की तबीयत खराब होनी चाहिए थी। और सेम केस पहले घर में भी हुआ था और वहां तो किसी ने दूध नहीं पिया था, मतलब गड़बड़ी सब्जियों में ही है। मेहुल खाने की हर चीज के सैंपल को लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। तभी मेहुल को एक स्कूल से कॉल आता है कि ठीक इसी तरह का मामला एक स्कूल में भी सामने आया है और स्कूल के सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। मेहुल तुरंत उस स्कूल में पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि सारे बच्चे 8 से 10 साल के बीच के हैं और लंच के बाद सारे बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। मेहुल खाना बनाने वाले से पूछता है, सच सच बताओ ये सब कैसे हुआ, तुमने आज खाने में क्या बनाया था? तब वो खाने वाली बाई कहती है कि सर मुझे कुछ नहीं पता है, अभी भी बहुत सारा खाना हॉस्टल में रखा हुआ है, आप चल के देख लीजिए। मेहुल उस बाई के साथ हॉस्टल के किचन में पहुंच जाता है। खाना देख मेहुल समझ जाता है कि पिछले दोनों मामलों में और इस केस में कुछ कॉमन है और कौन सी सब्जी के वजह से ये हो रहा है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी सब्जी के वजह से हो रहा है? अच्छे से सोचिए। तीनों जगह अलग अलग चीजें खाने के लिए यूज की गई थी, लेकिन भिंडी तीनों जगहों पे कॉमन है, मतलब गड़बड़ी भिंडी में ही है। इससे पहले कि मेहुल भिंडी चेक करता, डॉक्टर संजना का कॉल आ जाता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि बाकी सारी सब्जियां तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भिंडी में बहुत खतरनाक केमिकल है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसका मतलब मेरा शक सही था, भिंडी खाने की वजह से सारे लोग बीमार हुए हैं। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा ये भिंडी शहर में कौन सप्लाई कर रहा है। मेहुल उस स्कूल की बाई से कहता है, ये भिंडी खाने के लायक नहीं है, इसे फेंक दो और ये बताओ कि भिंडी कहाँ से लेके आए थे। तब बाई बताती है, स्कूल के सामने एक सब्जी का ठेला है, मैंने वहीं से खरीदी थी। मेहुल उस सब्जी वाले के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहीं पास में एक बड़ी सब्जी की भी दुकान है, लेकिन उस ठेले वाले के पास ज्यादा भीड़ है और ज्यादातर लोग भिंडी ही खरीद रहे हैं। मेहुल को मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस सब्जी वाले के ठेले के पास पहुंच जाता है तो सब्जी वाला चिल्ला रहा होता है, भिंडी ले लो, 10 रुपए में 6 किलो भिंडी ले लो। चलिए लॉजिकल आर्मी, मुझे बताइए, अगर 10 रुपए में 6 किलो भिंडी है तो 9 किलो भिंडी कितने की हो जाएगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। दस रुपए में 6 किलो है तो 5 रुपए में 3 किलो हो जाएगी, तो 9 किलो 5 + 10 15 रुपीज में हो जाएगी।
मेहुल को यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी लगती है। ये सिर्फ 5 रुपए में 3 किलो भिंडी दे रहा है और बाजू वाला 20 रुपए किलो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मेहुल सब्जी वाले से और इन्फो लेता है। सब्जी वाला बताता है कि मंडी में नई दुकान खुली है जो बहुत सस्ती सब्जी दे रहा है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ। मेहुल तुरंत मंडी में पहुंच जाता है, पर वहाँ बहुत सारी सब्जियों की दुकान होती है। अब मेहुल इनमें से नई दुकान को कैसे पता लगाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बाकी दुकानों के बाहर ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ है और उसके ऊपर का बोर्ड देखिए एकदम नया सा लगा हुआ है, बाकी बोर्ड थोड़े गंदे हैं। मेहुल समझ जाता है कि यही नई दुकान है। मेहुल उस दुकान की सारी सब्जियां टेस्टिंग के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है, लेकिन सारी सब्जियां एकदम अच्छी निकलती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, जिसे सबसे पहले उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई थी। तुमने भिंडी कहाँ से ली थी? तो वो भी मंडी की इसी दुकान के बारे में बताता है। मेहुल अपने दोस्त को लेकर उसी दुकान पे वापस पहुंच जाता है और दुकान की अच्छे से तलाशी लेता है। तभी मेहुल को वहां कुछ गड़बड़ी लगती है। क्या बता सकते हैं मेहुल को उस दुकान में क्या दिखा जिससे उसे कुछ गड़बड़ी लगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। गौर से देखिए, यहाँ पे एक छुपा हुआ दरवाजा है, उसका नॉब दिख रहा है। मेहुल चीजें हटाता है और नॉब को खोल के अंदर जाता है, तो अंदर बहुत सारी केमिकल वाली सब्जियां पड़ी होती हैं। सच सच बताओ, ये सब्जियां कहाँ से आती है? तब वो दुकानदार रोते हुए कहता है, सर हम ये सब्जियां खुद ही उगाते हैं, पानी की बहुत कमी है, इसलिए हम शहर से निकलने वाले नालों का पानी यूज करके और केमिकल की मदद से कम खर्चे में सब्जियां उगा लेते हैं और बाजार में बेचते हैं। तुम्हारी इस हरकत के वजह से शहर में कितने लोग बीमार हो गए हैं। मेहुल उसकी दुकान को सील कर देता है और उसे जेल भेज देता है। केस सॉल्टेड। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।